तूने बॉक्स पहुंचा दिया क्या? हाँ। किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं, बहुत मुश्किल से तुम्हारा काम हुआ है। वो बॉक्स लिए मेरा आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा है? हाँ। बस मैं भी पहुंच रहा हूँ। वो घर वालों की वजह थोड़ी सी देर हो गई, वो लोग तो मुझे आने ही नहीं देना चाहते थे। उन्हें शक था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आज मंगल ग्रह पृथ्वी के इतना करीब जो आ गया है, पर उन्हें क्या मालूम कि मैं इसीलिए तो आज यहाँ आया हूँ। मेरे मंसूबों को कब से इसी रात का तो इंतजार था। अरे मैं वो बॉक्स लेने आया हूं। कोई है? कोई है? कोई है? कोई बोलता क्यों नहीं? मेरा बॉक्स कहाँ है भाई? कोई है? कोई जवाब क्यों नहीं देता? अगर आज रात वो बॉक्स नहीं मिला तो मेरा सपना फिर कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आज ही वो मौका है। बॉक्स मिल गया। कहीं उसी आदमी तो नहीं जो इसे लेकर आया था? कौन है? कौन है वहां? सामने क्यों नहीं आते? Oh, my God.
आई होप हमें यहाँ कोई सुराग जरूर मिलेगा। श्याम, मोहन, तुम दोनों सीधे जाओ ऊपर। वरुण, तू इस रास्ते से पीछे से, और मैं यहाँ से जाऊँगा, ठीक है? चलो। मोहन, ये देख, जानवर के पैरों के निशान। इन निशानों को फॉलो करते हैं। ये निशान हमें जरूर उस वैश्य जानवर तक लेकर जाएंगे। हाँ, जानवर के पैरों के निशान आदमी के पैरों के निशान कैसे हो गए? इसका मतलब ये है कि ये एक आदम भेड़िया है। आदम भेड़िया? हाँ, आदम भेड़िया। एक ऐसा भेड़िया जो जब चाहे इंसान और जब चाहे भेड़िया बन सकता है। अब तक हम ये सोच रहे थे कि ये काम किसी जंगली जानवर का है, लेकिन हमारी सोच गलत साबित हुई है। ये काम किसी जंगली जानवर का नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान का है, एक ऐसे जानवर का है जो जब चाहे, जहां चाहे, अपने आप को भेड़िए के रूप में बदल सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये भेड़िया वापस आप में से किसी मासूम को अपना शिकार बनाने यहां जरूर आए। तो अब हम लोग क्या करें? उस भेड़िए के डर से अपना घर बार छोड़कर कहीं और चले जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप में से किसी को भी ये इलाका छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। शाम होते ही अपने दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। कोई कितना भी खटखटाए, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन खोलने से पहले दो बार सोच लें। आपके दरवाजे पर वो भेड़िया भी हो सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं और माँ घर में अकेले रहते हैं। अगर आप में से किसी को भी अकेले रहने में डर लग रहा है तो वो मेरे घर में आकर रह सकता है। आप लोग मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित है। डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग यहां बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसे अपना ही घर समझें। और एक बात का ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी अनजान इंसान के लिए दरवाजा मत खोलना, ठीक है? चलो। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। हम ये नहीं चाहते कि हम लोगों को बचाने के चक्कर में कहीं आप लोगों को कुछ हो जाए। चलो। Thank you.
पीछे पड़ा है, जल्दी मुझे मार देगा वो। जानी कौन होगा? रघु तो कहकर गया था कि किसी भी अनजान आदमी के लिए दरवाजा नहीं खोलो। अब मैं क्या करूं? दरवाजा खोलो, जीता दरवाजा खोलो प्लीज। वो भेड़िया मेरे पीछे, मुझे मार देगा। प्लीज दरवाजा खोलो गीता, वो भेड़िया मेरे पीछे। गीता दरवाजा खोलो प्लीज। और ये दरवाजा कैसे खुला? हमने आप लोगों से कहा था ना, किसी भी अनजान आदमी के लिए दरवाजा मत खोलो। अगर आप लोगों ने सावधानी बरती होती, ये दरवाजा बंद रखा होता तो गीता यहां से मरी नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं गीता ने इसलिए दरवाजा खोला हो कि कोई अनजान आदमी नहीं बल्कि कोई हम में से एक हो? तेरी कहने का मतलब है कि जिस आदम भेड़े की बात हम कर रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं बल्कि इस बस्ती में? हाँ इस बस्ती में है। तो फिर कौन हो सकता है? अगर वो भेड़िया हम
बस्ती वालों में से कोई एक है तो खतरा और भी बढ़ जाता है। हम में से कोई नहीं जानता कि मौत किसके बगल में खड़ी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रघु। रघु, हमें पहले घर के आसपास ढूंढना चाहिए, वो भेड़िया यहीं कहीं ना मौजूद हो। चल ढूंढो उसे। उसको भाग गया वो। राजेश वरुण को देखकर भागा, मतलब कि राजेश ही वो भेड़िया है। हाँ, राजेश ही वो भेड़िया है। राजेश ही वो भेड़िया है। पकड़ो पकड़ो उसे, नीचे करो उसका। चलो पहले मोहन के घर चुका और उसके बाद हमें देखकर क्यों भागा, इसका मतलब है कि राजेश ही है वेयरवुल्फ। तो चलो, देर किस बात की है, खत्म कर देते हैं उसे, तोड़ देते हैं दरवाजा। नहीं, दरवाजा तोड़ के अंदर जाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अरे वो तो उसी ताक में बैठा है कि हम कब अंदर जाए। तो क्या करें, छोड़ दे इस खूनी को कि और खून कर सके। नहीं, हमें पीछे के रास्ते से अंदर जाना चाहिए ताकि उसे संभलने का मौका ही ना मिले। मेरे ख्याल से वरुण बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक काम करो, तुम यहां खड़े रहकर लगातार दरवाजा नॉक करते रहो। तुम दोनों इधर से जाओ, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। ऐसे कैसे बख्श दो, बता क्यों चुप रहा था तू कल, बता कौन है भेड़िया? अरुण, अरुण क्या कर रहा है? यकीन कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। बता क्या चेखा था तूने? हाँ।
मैं मोहन के घर के पीछे वाले रास्ते से जा रहा था, अचानक गीता की चीख सुनी और मैं बहुत डर गया। अब डर के मैं पेड़ के पीछे छुप गया। तभी मैंने उस भेड़िए को बाहर आते देखा। उसके मुंह पर बहुत सारा खून लगा था। उसके बाद जो मैंने देखा, वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जब मुझे होश आया तो मैं देखा आप मेरी तरफ आ रहे थे। ऐसा लगा जैसे मेरी मौत आ रही हो, इसलिए मैं डर कर वहां से भागा। लेकिन आप मुझे मारना नहीं, मुझे मारना नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। बताएगा तो तू तब, जब तू जिंदा बचेगा। तुझे न मारने का खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। राजेश को मैंने नहीं मारा, वरुण ने मार दिया। वरुण? वरुण कोई और नहीं है, वरुण है, हमारा दोस्त वरुण। वो ये वरुण क्या बोल रहा है यार तू? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे कहीं ढूंढते हुए। तू बचा जाता ना, ए तू बचा जाता ना, भाग जा, भाग जा ऐसे, भाग जा ऐसे, भाग जा, भाग जा, भाग जा।